बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान शहर में मजीद 15 अमवात हो गई। 1045 नए केसेस सामने आ चुके हैं। 86 रोज के दौरान केसेस की मजमूई तादाद 19,206 हो गई है और 268 अमवात भी वाकई हो चुकी हैं। आपको बताएं, कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान शहर में मजीद 15 अमवात हो गई। पंजाब में कोरोना वायरस के 1813 नए केसेस के बाद तादाद 38,903 हो गई। लाहौर में 1045 नए केसेस सामने आए और 15 अमवात की तस्दीक हुई है। लाहौर में अब तक कोरोना से 268 अमवात हो चुकी हैं और 19,206 केसेस की तस्दीक की गई है। पंजाब भर में कोरोना वायरस से 32 मजीद अमवात से कुल तादाद 715 हो चुकी है। अब तक 2,90,074 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 8,109 हो चुकी है। कोरोना वायरस के कारी वारों का सिलसिला तसलसल से जारी है। कोरोना ने कैम जेल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में पंजे गाड़ लिए हैं। फूड अथॉरिटी, लाहौर पुलिस, वाबडा और लेस्को मुलाजमीन भी मुतासिर हैं। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की रिपोर्ट भी मुस्बत आ गई। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के शेड्यूल इंटरव्यूज भी मनसूख कर दिए गए हैं। कैंप जेल एक मरतबा फिर कोरोना वायरस की जद में आ गई। जेल वार्डर को कोरोना वायरस मस्बत आने पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। फूड अथॉरिटी में कोरोना केसेज की तादाद 35 होने पर तमाम दफातर बंद कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के 10 मुलाजमी कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। लाहौर पुलिस के शहीद साहब इंस्पेक्टर आबी मुख्तार की फैमिली को भी कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में ले लिया। शहीद की फैमिली के कोरोना टेस्ट किए जाने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। वजीर रेलवे शेर रशीद अहमद का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। डॉक्टर्स के हदायत पर शेर रशीद 2 हफ्तों के लिए आइसोलेशन में चले गए हैं। डॉल्फिन स्क्वाड के ASI अब्दुल हमीद भी कोरोना वायरस के बाद शहीद हो गए। शहर के 6 थानों के SHO में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट के 5 से ज्यादा सिक्योरिटी स्टाफ में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर फौरी ड्यूटी से हटाकर घरों और हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। वाबडा और लेस्को में कोरोना वायरस से मुतासर मुलाजमीन की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। वाबडा हाउस में कोरोना केसेज रिपोर्ट होने पर बाद दफातर को सील कर दिया गया है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में साबिक IG पंजाब समेत 3 सीनियर मेंबरान में कोरोना वायरस की तशखीस होने पर शेड्यूल इंटरव्यू मनसूख हो गए हैं। अहम सरकारी इदारों के अफसरान और दीगर मुलाजमीन में कोरोना वायरस के मुतासरीन की बढ़ती हुई तादाद को बिलाशुबा खतरे की घंटी करार दिया जा सकता है। लॉलीवुड इंडस्ट्री के नामवर कैमरामैन अली जान कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। मरहूम को समनाबाद के कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। अली जान की उम्र 76 बरस थी। 10 रोज कबल कोरोना वायरस से मुतासिर होने पर उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया था। हालत खराब हुई जिस पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया मगर जान पर ना हो सके। अली जान मरहूम ने 1,000 से ज्यादा फिल्मों में बतौर कैमरामैन खिदमात सर अंजाम दी हैं। बात करें मदारिस खोलने के मामले पर, विफाकी हुकूमत ने मदारिस खोलने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। मदारिस खोलने की इजाज़त दी तो स्कूल्स और प्राइवेट तालीमी इदारे भी खोलना पड़ेंगे। मुज़ाकरात में विफाकी वज़ीर तालीम का मौक़िफ़ सामने आया। इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया के वफद ने वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद के साथ ऐवान इकबाल में मुज़ाकरात किए। दीनी मदारस के रहनुमाओं की क्यादत कारी हनीफ जलंधरी ने की। वफद की जानिब से मदारस खोलने पर इसरार किया गया, ताहम वजीर तालीम ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। जराए का कहना है कि मदारस के रहनुमाओं ने सवाल किया, अगर बाकी सरगर्मियाँ हो सकती हैं तो मदारस क्यों नहीं खोले जा सकते, मदारस को तयशुदा SOPs के तहत खोलने की इजाजत दी जाए। जिस पर विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने मौकफ इख्तियार किया कि मदारस खोलने की इजाजत दी तो स्कूल और प्राइवेट तालीमी इदारे भी खोलना पड़ेंगे। इस वक्त कोरोना की सूरत हाल बिगड़ रही है, मदारस खोलने की इजाजत नहीं दे सकते। विफाकी वजीर तालीम का कहना था कि सूबे पहले ही बाज़ इक़दामात पर हमसे नाला है, फिल वक्त मदारस नहीं खोले जा सकते। विफाकी हुकूमत के जवाब पर मदारस ने लाए अमल तय करने के लिए इजलास तलब कर लिया है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पाकिस्तान और चीन के तिबी माहिरीन की वीडियो कॉन्फ्रेंस। UHS के वाइस चांसलर कहते हैं पाकिस्तान में वायरस के केसेस में इजाफे की वजह अवाम की लापरवाही है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र लॉकडाउन नागुजीर है। तफसीलात बता रहे हैं बसाम सुल्तान अपनी रिपोर्ट में। UHS में पाकिस्तान और चीन के तिबी माहिरीन की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज पर रोशनी डाली गई। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर जावेद अकरम ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बतौर डॉक्टर मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वो लॉकडाउन के हामी हैं। मैं एक टेक्निकल डॉक्टर के तौर पर बता रहा हूँ या एक तालिब इल्म पब्लिक हेल्थ के तौर पर बता रहा हूँ कि मेरे बस में हो तो मैं तो कहूँगा कि नहीं खोलना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि मैं तो सिर्फ बीमारी को देख रहा हूँ, मईशत को मैं नहीं देख रहा, मैं बाकी मसाइल नहीं देख रहा
वो तो गवर्नमेंट देख रही है। प्रोफेसर जावेद अकरम कहते हैं कि ईद के दिनों में लॉकडाउन में नरमी के बायस वबा का खतरा बढ़ गया, हुकूमत इस हवाले से हेल्थ केयर वर्कर्स की तरबियत का इंतजाम करे। वाइस चांसलर UHS ने बताया कि अच्छे हिफाजती लिबास की मदद से चीन में हेल्थ केयर वर्कर्स की अमवात पर काबू पाया गया। चीन में माह जून में सिर्फ 140 अफराद में तशखीस और कोई अमवात नहीं हुई। पहले कहाँ 3,500 डॉक्टर्स उनके और पैरामेडिकल मर गए और एकदम उन्होंने जीरो कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने जब PPE अच्छी क्वालिटी की, अच्छा मास्क और अच्छी उनको तरीकाकार बताया उसको पहनने का, उतारने का, उसको डिस्पोज ऑफ करने का, अपनी प्रोटेक्शन का तरीकाकार बताया, तो हमारे वही हेल्थ केयर में जीरो ट्रांसमिशन हुई। कॉन्फ्रेंस के बाद वायरस से ज़िंदगी की बाजी हारने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को खिराज अकीदत पेश किया गया। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ बसाम सुल्तान, City 42, लाहौर। शहर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। खिलाफ वर्जी पर 900 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गईं। इरफान मलिक की रिपोर्ट देखिए। फेस मास्क और सोशल डिस्टेंस का ख्याल क्यों नहीं रखा? 3 दिन के अदादोशुमार के मुताबिक लॉकडाउन और SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 133 मुकदमा दर्ज करके 900 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया गया। मार्केट इकबाल टाउन में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद की चेकिंग के लिए दौरा किया। इस मौके पर SSP ऑपरेशन इबादत निसार समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। CCPO ने मुख्तलिफ दुकानों पर SOPs पर अमल दरामद न करने वालों को वार्निंग भी दी। जहाँ पे कोई वायलेशंस की इतला मिल रही है वहाँ पे शॉप सील भी की जा रही है। 900 से ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो अब तक अक्रॉस लाहौर सील की जा चुकी हैं। जुर्माने भी किए गए हैं, FIR भी रजिस्टर हुई हैं और इसी तरह जो ट्रैफिक के लोग हैं वो भी अब देख रहे हैं कि अगर कोई मास्क नहीं पहनता तो वो भी उसके ऊपर सख्ती से जो है उनको चलान भी कर रहे हैं, वार्निंग्स भी दे रहे हैं। CCPO लाहौर का कहना था कि मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा किया जहां हुकूमती SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, आइंदा चंद दिनों में इसके मुस्बत नतायज भी सामने आएंगे। इरफान मलिक, City 42, लाहौर। सूबाई वजीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल के टाउनशिप करीम मार्केट और दीगर बाजारों के हंगामी दौरे, SOPs की खिलाफ वर्जी पर कई दुकानें सील करवाने के अहकाम जारी किए। सूबाई वजीर सनत व तजारत असलम इकबाल ने मुख्तलिफ मार्केटों में SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। बाज़ दुकानदारों और ग्राहकों के मास्क ना पहनने का सख्त नोटिस लिया गया और खिलाफ वर्जी पर बाज़ दुकानों को सील करने का हुक्म भी दिया। मियां असलम इकबाल ने मार्केटों में बगैर मास्क के आने वाले ग्राहकों को मास्क पहनने की तलकीन भी की। सूबाई वजीर ने दुकानों के सामने से तजावजात फौरी तौर पर हटाने का हुक्म भी दिया। सूबाई वजीर का कहना है कि वही ताजर कारोबार जारी रख सकेगा जो SOPs पर अमल दरामद करेगा। मार्केटों में SOPs के खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने वालों की गैर संजीदगी काबिल अफसोस है। कोरोना वबा को संजीदगी से न लेने वाले अपनी और दूसरों की जान के दुश्मन हैं। IG पंजाब ने मार्केट्स, मॉल्स और सुपर स्टोर्स में हुकूमती उगातेकार के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। पुलिस जिले इंतजामी और महकमा सेहत की ऑपरेशंस में भरपूर मदद करे, तमाम RPOs और DPOs को मरासला जारी कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से जारी SOPs पर अमल दरामद न करने की वजह से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसी हवाले से IG पंजाब ने पुलिस को SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करवाने के लिए मुतलका इदारों की हर सूरत में IG जानिब से जारी फैसला के मुताबिक सूबा भर में जिला इंतजामिया और महकमा सेहत के साथ मिलकर SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। बाजारों में रश के बायस कोरोना ज्यादा फैल रहा है, खसूसन शॉपिंग मॉल्स और बसों में मुसाफिरों को मास्क पहना कर हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाएं। मुकर्रर वक्त के बाद कोई भी दुकान खुलनी नहीं चाहिए। पुलिस दुकानों के औकातकार पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया की भरपूर मदद करे। हुकूमती लॉकडाउन और शहर में जगह जगह नाकाबंदी भी जुराइम की शरह में कमी ना कर सकी। रवा साल 5 माह के दौरान 63,324 मुकदमा दर्ज किए गए थे। डाकू ने मजामत पर 16 अफराद को कत्ल किया। इरफान मलिक की रिपोर्ट देखिए। 2.5 माह तक लॉकडाउन और नाकाबंदी के बावजूद डाकुओं की लूटमार कम न हुई। गुज़िश्ता साल के निस्बत रवां साल जराइम की शराब बढ़ गई। साल 2020 के 5 माह में 63,324 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि साल 2019 में ये तादाद 58,956 रही। शहर में साल 2020 के 5 माह के दौरान 168 अफराद को कत्ल किया गया, जिनमें 16 शहरी डाकुओं की गोलियों का निशाना बने। इसी अरसा के दौरान 5 अफराद डकैती मुजामत पर कत्ल हुए, जबकि डकैती और राहजनी की 1,387 वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि
2019 में 1075 वारदातें रिकॉर्ड हुई थी। साल 2020 में डाकुओं ने शहरियों को करोड़ों रुपए मालियत की 2837 मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से महरूम कर दिया, जबकि 327 मर्द और खवातीन को अगवा, 8 खवातीन को गैंगरेप का निशाना बनाया गया। 2019 में 5 माह के दौरान 265 अगवा जबकि 4 गैंगरेप के वाकयात रिपोर्ट हुए। CCP लाहौर ज़ुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल के 8 वारदातों के मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर भी जल्द गिरफ्तार होंगे। इरफान मलिक, सिटी रिपोर्ट 2। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर सलमान अली के जाँ बहक होने के वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की है और वाक़े की गैर जानबदार तहकीकात का भी हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर सुलेमान अली के जाँ बहक होने के वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली है और वाकई की गैर जानबदार तहकीकात का हुक्म दिया है। वजीर आला ने हिदायत की कि जिम्मेदारों का तायुन करके 48 घंटों में रिपोर्ट दी जाए। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि गफलत का इर्तकाब करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वजीर आला ने जाँ बहक डॉक्टर के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया है। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन का इजलास चेयरमैन कोऑर्डिनेशन चौधरी मोहम्मद सुल्तान गुज्जर की ज़ेरे सदारत हुआ। इजलास में कोरोना से मुतल्लिक किए गए इंतजामात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन का इजलास ज़ेरे सदारत चेयरमैन कोऑर्डिनेशन चौधरी मोहम्मद सुल्तान गुज्जर की मुनक्कद हुआ। इजलास में कोऑर्डिनेशन के मेंबरान चौधरी शाहिद महमूद जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की आज नैब में तलबी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि खराब मईशत और कोरोना से तवज्जो हटाने के लिए शहबाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कल नैब में पेश होंगे। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर MNA मलिक रियाज का कहना है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। जब आपके पास करने को कुछ ना हो, दिखाने को कुछ ना हो और आपकी कारकर्दगी बदतरीन हो तो आप सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां करके लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं। ये गवर्नमेंट बस इंतकाम पे आई हुई है और कभी नवाज शरीफ साहब को, कभी शहबाज शरीफ साहब को, कभी हमारी पार्टी के जो क़यादत है उनको, बस इनका एक ही सोच है कि इन सबको जेलों के अंदर डाल के तो हम अपनी गवर्नमेंट चलाएँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा कि अनाड़ी लोग इंतकाम के अलावा आवाम का भला नहीं कर सकते। ये तो सरासर इंतकामी कार्रवाई है, इनसे अपने से कुछ हो नहीं रहा, कोई इसमें कोई अहलियत नहीं है, बराए नाम गवर्नमेंट है और कोई काम हो नहीं रहा, तो यही है रोज़ कभी शहबाज शरीफ साहब को, कभी मरियम बीबी को, कभी किसी हमारे और जितने भी सीनियर लोग हैं उनको बार बार बुला रहे हैं। मौजूदा हुकूमत से काम तो हो नहीं रहा, अलबत्ता वो कंट्रोल तो कर नहीं पा रही कोरोना को, इसलिए वो अपोजिशन के लोगों को जो है कभी नैब बुलाती है, कभी हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो नैब है वो न्याजी घर जो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने दावा किया है कि मौजूदा हुक्मरान शहबाज शरीफ की मकबूलियत से खौफजदा हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर असलम। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी हैं। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। आपको बताएं मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी हैं। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं। आपको बताएं तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब की जानिब से कोरोना टेस्ट कराया गया जो कि मुस्बत आया है। मरियम औरंगजेब के अलावा भी और भी कई अहम शख्सियात हैं जो कि इस मोजी वबा का शिकार हो रही हैं। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी हैं। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है। आपको बताएं मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और वो क्वारंटीन हो चुकी हैं। मरियम औरंगजेब कोरोना वायरस का शिकार हो गई। ICC की चेयरमैनशिप का ये मामला है। PCB के चेयरमैन एहसान मानी को ICC की चेयरमैनशिप की पेशकश। ICC के बोर्ड अराकीन एहसान मानी को चेयरमैन बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। ज़राए की जानिब से ये बात सामने आई है। ICC बोर्ड अराकीन की तजुर्बाकार एहसान मानी से मामला संभालने की दरख्वास्त।
चेयरमैनशिप के लिए इख्तलाफात निपटाने के लिए मुतादिद अराकीन का एहसान मानी पर एतमाद का इजहार। आईसीसी चेयरमैन के इंतखाबात के लिए 10 जून को टेली कॉन्फ्रेंस में तरीकाकार भी तय किया जाएगा। एहसान मानी इससे कबल आईसीसी के सदर रह चुके हैं। बोर्ड मेंबरान की जानिब से ये मौके सामने आया है। एहसान मानी आईसीसी के मामलों को अच्छी अंदाज में समझने की सलाहियत रखते हैं। आईसीसी बोर्ड्स के अहम अराकीन एहसान मानी को चेयरमैन के ओहदे पर देखना चाहते हैं, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। आपको बताएं कि आईसीसी ने चेयरमैनशिप का ये मामला है और एहसान मानी को ये पेशकश की है। आईसीसी के बोर्ड अराकीन एहसान मानी को चेयरमैन बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि आईसीसी बोर्ड अराकीन की तजुर्बाकार एहसान मानी से मामला संभालने की दरख्वास्त सामने आई। चेयरमैनशिप के लिए इख्तलाफात निपटाने के लिए मुतादिद अराकीन का एहसान मानी पर एतमाद का इजहार। आईसीसी चेयरमैन के इंतखाब के लिए 10 जून को टेली कॉन्फ्रेंस में तरीकाकार भी तय किया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। एहसान मानी इससे कबल आईसीसी के सदर रह चुके हैं। अभी आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बायस इस साल एशिया कप का शेड्यूल मुलतवी कर दिया गया है। एशिया कप मुलतवी करने का फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल के वीडियो लिंक इजलास में हुआ। एशियन कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। कॉन्फ्रेंस में इवेंट के मेजबान के हवाले से बात जारी रखने पर इत्तेफाक राय किया गया है। भारत ने पाकिस्तान में एशिया कप खेलने से इनकार किया था। इजलास में एशियन क्रिकेट काउंसिल के मौजूदा इकदाम पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया है। कोरोना वायरस के बायस इस साल एशिया कप का शेड्यूल मुलतवी। एशिया कप मुलतवी करने का फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल के वीडियो लिंक इजलास में किया गया। अहम इजलास मुनक़िद हुआ और एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान के पास रहेगी, ये भी फैसला किया गया। कॉन्फ्रेंस में इवेंट के मेजबान के हवाले से बात जारी रखने पर भी इत्तेफाक राय हुआ है। आगे बढ़ें, आपको बताएं ऑरेंज लाइन के किराए के ताजिर पर पंजाब असेंबली में बहस मुकम्मल कर ली गई। अपोजिशन ने 30 से 40 रुपए किराया तजवीज़ कर दिया। ताहम सूबाई वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं कि सब्सिडी दी जाएगी लेकिन 30 अरब सालाना सब्सिडी की मद में नहीं दे सकते। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में मेट्रो ट्रेन के किराए के तायुन पर आम बहस करवाई गई। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा इमरान नज़ीर, मलिक अहमद खान, राना मशहूद और उज़्मा बुहारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ शुरू से ही मंसूबे की मुखालिफ है। सूबाई वजीर कानून का कहना था कि ऑरेंज लाइन का मनसूबा चौधरी परवेज इलाही के दौरे इकतदार में ज़ेर ज़मीन बनाया था जिसकी लागत 50 अरब से कम थी। नून लीग ने यह मनसूबा 200 अरब में मुकम्मल किया। पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्तजा ने कहा कि हुकूमत ने जब आटा और चीनी चोरों को सब्सिडी देना होती है तो ऐवान में बहस नहीं करवाई जाती। जलील शरकपुरी का कहना था कि कोरोना वायरस के बायस वफात पाने वालों की तदफीन बावकार तरीके से होनी चाहिए। स्पीकर ने चावल और कपास के नए बीज पर रिसर्च न करने पर तशवीश का इजहार किया जबकि निजी सरमायाकारों से हुकूमत की मुलाकात की पेशकश भी कर दी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने शहर के 5 कौमी और सूबाई हलकों की 22 करोड़ की 70 तरक्याती स्कीमों के कॉन्ट्रैक्ट 10 से 32% कम बोली देने वाली फर्म्स को नीलाम कर दिए हैं। रिपोर्ट कर रही है राउदर शाह हुसैन। कुफल टूटा खुदा खुदा करके 2 साल बाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने 5 कौमी और सूबाई हलकों की तरक्याती स्कीमों के कॉन्ट्रैक्ट की नीलामी कर दी। 107 तरक्याती स्कीमों में से 8 करोड़ की 37 तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स मनसूख कर दिए गए। मजमुई तौर पर 7 कौमी और सूबाई हलकों की करोड़ों मालियत की तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स जारी किए गए थे। ताहम एन ने 133 की 21 जबकि पीपी 149 की 16 तरक्याती स्कीमों को मनसूख कर दिया गया। एन ने 133 की तमाम स्कीमें महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को मुंतकिल कर दी गयी जबकि पीपी 149 की 16 तरक्याती स्कीमों को एतराज के बाइस ड्रॉप किया गया। पीपी 152 की 2 करोड़ 50 लाख की 3 तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स नीलाम किए गए। इसी तरह पीपी 157 की 2 करोड़ 60 लाख की 18 तरक्याती स्कीमें, एन ने 125 की 3 करोड़ 80 लाख की 10 तरक्याती स्कीमें, पीपी 165 और एन ने 132 की 3 तरक्याती स्कीमें और एन 132 की 3 करोड़ 80 लाख की 16 तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स की नीलामी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की 2 करोड़ मालियत की 7 तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स भी नीलाम किए गए। तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स की बोली में जावेद एंड को, हमजा बिल्डर्स, तरंग कंस्ट्रक्शन, बलाज बिल्डर्स, राना इमरान एंड को, शेख वहीद एंड को, नुसरत इजाज एंड कंपनी, राशिद अवान एंड को में 210 फर्म्स ने हिस्सा लिया। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राउदिल शाह हुसैन, सिटी 42। बजट 2020-21 पंजाब में माली बहरान के बावजूद नए तरक्याती बजट में हुकूमती अराकीन असेंबली की सुनी गई।
ایوان وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر حکومتی اور اتحادی اراکین اسمبلی کو فنڈ سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ ایوان وزیراعلیٰ کی ہدایت پر آئندہ مالی سال میں حکومتی ارکان اسمبلی کے لیے بجٹ مختص کرنے کی تجویز اب منظور کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں حکومتی اور اتحادی اراکین اسمبلی کے 15 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی ہے، جبکہ اس سے قبل پی این ڈی بورڈ نے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے فنڈز مختص نہ کرنے کی تجویز دی تھی۔ ذرائع کے مطابق حکومتی اور اتحادی اراکین اسمبلی کے حلقوں کو نئے مالی سال میں بھی فنڈز اب ملیں گے۔ اس سے قبل حکومتی اور اتحادی اراکین اسمبلی کے لیے 15 ارب روپے کے فنڈز دیے جا چکے ہیں۔ وفاق نے پنجاب کا قابل تقسیم محاصل رواں سال کے نسبت 8% کم کر دیا ہے۔ فنڈز کم ملنے سے پنجاب حکومت کو مالی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نئے مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے وفاق کی جانب سے پنجاب کو بھیجی گئی تجاویز اور ڈرافٹ پر کام جاری ہے۔ وفاق کی طرف سے قابل تقسیم محاصل کی مد میں 14 کھرب 65 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ رواں مالی سال وفاق کی طرف سے قابل تقسیم محاصل کی مد میں 16 کھرب روپے سے زائد بجٹ مختص تھا، لیکن کرونا وائرس کی وبا کے باعث پنجاب حکومت کو قابل تقسیم محاصل کی مد میں بھی فنڈز کم ملے۔ لاک ڈاؤن کے منفی اثرات یا پھر معاشی بدحالی کا تسلسل، پنجاب ریونیو اتھارٹی میں سیلز ٹیکس ادائیگی اور گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد نصف سے بھی کم رہ گئی۔ 80,000 رجسٹرڈ ٹیکس گزاروں میں سے گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد 37,000 رہ چکی ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں غیر فعال ٹیکس گزاروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مختلف شعبہ جات میں سیلز ٹیکس ادائیگی اور گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد نصف سے بھی کم رہ گئی ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں 80,000 رجسٹرڈ ٹیکس گزار ہیں، تاہم ماہانہ گوشوارے جمع کرانے والے فعال ٹیکس گزاروں کی تعداد 37,000 رہ گئی ہے۔ چیئرمین پی آر اے زین العابدین ساہی کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کے باعث مختلف شعبہ جات میں سروسز فراہم کرنے والا کاروباری طبقہ بری طرح متاثر ہے۔ اتھارٹی آئندہ مالی سال میں ٹیکس دائرہ کار بڑھانے، غیر فعال ٹیکس گزاروں کے حوالے سے سروے کرے گی۔ چیئرمین پی آر اے زین العابدین ساہی کہتے ہیں کہ آئندہ مالی سال کے دوران پوٹینشیل ٹیکس گزاروں کی تعداد میں 20,000 کا اضافہ کریں گے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے صوبے بھر میں مالی بحران، اگلے مالی سال میں پولیس کی نئی اسکیموں کا آغاز تو دور کی بات، جاری شدہ اسکیمیں بھی مکمل نہیں ہو پائیں۔ حکومت نے رواں برس کے 2 کھرب 61 کروڑ کے ترقیاتی بجٹ کو کم کر کے 99 کروڑ کا بجٹ اگلے سال کے لیے مختص کر دیا ہے۔ کرونا وائرس، پنجاب بھر میں مالی بحران، پنجاب حکومت نے پولیس کے ترقیاتی بجٹ میں تیسرا کٹ لگا دیا۔ 2020 اور 2021 کے ترقیاتی بجٹ میں رواں مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 2 ارب 61 کروڑ سے کم کر کے 99 کروڑ کر دیا گیا۔ پنجاب پولیس کو 99 کروڑ بجٹ کے مطابق اسکیموں کا تخمینہ لگا کر بھجوانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب نے ترقیاتی بجٹ بڑھانے کے لیے وزیر اعلیٰ سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ پولیس کا ترقیاتی بجٹ بڑھانے یا نہ بڑھانے کا حتمی فیصلہ آج ہوگا۔ صوبہ بھر میں پنجاب پولیس کے 150 سے زائد جاری شدہ اسکیمیں ہیں، جس میں تھانے، دفاتر، رہائش گاہوں کی تعمیر و دیگر منصوبہ جات شامل ہیں، اور نئے اسکیموں کے لیے ابتدائی طور پر 10 ارب مانگے تھے۔ حکومت نے مزید کم کرنے کو کہا تھا، جس کے بعد 3 ارب سے زائد کے بجٹ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ اب حکومت نے مزید کم کرتے ہوئے نئی اسکیمیں ختم کر دی ہیں۔ اگلے مالی سال میں پنجاب پولیس کی کوئی بھی اسکیم فنڈز کم ہونے کی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکے گی۔ پولیس کی جاری اسکیموں کو مکمل کرنے کے لیے 6 ارب سے زائد اخراجات چاہیے ہیں۔ شہر میں پیٹرولیم مصنوعات کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ پیٹرول پمپس پر نو سپلائی کے بورڈز آویزہ کر دیے گئے ہیں۔ لاہوری پیٹرولیم مصنوعات کی تلاش میں خوار ہونے لگے۔ صوبائی دارالحکومت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا بحران پوری شدت کے ساتھ موجود ہے۔ شادمان، مغل پورہ، جوڑے پل، صدر، شالیمار لنک روڈ، گلشن راوی، بند روڈ اور جے لوڈ سمیت دیگر علاقوں میں شہری پیٹرول کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے۔ غصے سے تل ملائے شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کے بحران پر وفاقی حکومت کو شدید آڑے ہاتھوں لیا۔ خدا کے لیے یہ عمران خان کو چاہیے کہ ان کو کنٹرول کرے، یہ مافیا ہے، یہ مافیا ہے، یہ ملک اور قوم کو برباد کر رہے ہیں، عمران خان نہیں کر رہا۔ کینٹ سے، جوڑے پل سے، صدر سے، دھرم پورے سے ایسے آ رہا ہوں، سیدھا یہاں تک آیا ہوں تو یہاں پر بھی آپ کے سامنے بند ہے، اور جو دے بھی رہے ہیں تو وہ کہنا بھائی ہائی اوکٹین ہے وہ 160 کا، اور 160 تو جو ہے نا وہ بارے میں نہیں آتا۔
पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान से तजारती सरगर्मियाँ भी शदीद मुतासर हो रही हैं। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि बहरान से सनती खाम माल और तैयार शुदा माल की मार्केटों तक तरसील इंतहाई मुश्किल हो गई है। इरफान इकबाल शेख कहते हैं कोरोना के बायस पहले ही मुल्क माशी दबाव का शिकार है, पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान से मामला मजीद खराब होंगे। जो ऑयल कंपनीज हैं उनके पास स्टॉक ही अब ख़त्म हो गया है, तकरीबन किसी के पास 3 दिन गया, किसी के पास 4 दिन गया, किसी के पास 7 दिन गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको फौरी तौर पर इंटरवीन करे, इसको बैठ कर उनके साथ मामला तय करे, वरना क्राइसिस और बढ़ जाएगा तो यहाँ पे मामला ज़्यादा खराबी की तरफ जाएंगे। पेट्रोलियम डीलर्स कहते हैं कि अगरचे पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में कुछ बेहतरी आई है मगर अब भी 60-70% तक किल्लत बरकरार है। वफाकी हुकूमत इस बहरान के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वफाकी और सूबाई बजट की आमद आमद, शहर में महंगाई का राज, सब्जियों और फलों की सरकारी नेशनामे पर फरोख्त मुमकिन न बनाई जा सकी। आटे का 20 किलो का थैला 1,000 रुपए जबकि चक्की का आटा 65 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। आइंदा चंद मत आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगी जिसमें अवाम को रिलीफ देने के हमेशा की तरह दावे और ऐलानात किए जाएंगे, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी बजट से पहले अशियाए जरूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इकदामात नजर नहीं आते। शहर में मुर्गी का गोश्त 12 रुपए फी किलो कमी के बाद 272 रुपए का तो हो गया, लेकिन आम आदमी की पहुंच से दूर ही रहा। जबकि आटे का 20 किलो का थैला 1,000, चीनी 80-85 रुपए और फल भी महंगे दामों फरोख्त होते रहे। बढ़ती हुई महंगाई के बायस शहरी हुकूमत से नाला हैं। कहते हैं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। कंट्रोल किसी चीज पे नहीं है, तो इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने अपनी टीम को हर दुकानदार के पास उसके रेट तो देखें कि उनके रेट क्या है। दालें आप देख रहे हैं, चने की दाल जो है वो कहां से कहां पहुंची है, 40 रुपए किलो से 160 रुपए किलो बिक रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत मुनाफा खोरों को कंट्रोल करने के लिए फौरी और मुस्बत इकदामात करे। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना है कि मिडल मैन के बायस गंदम की कीमत बढ़ रही थी, वजीर आजम के गंदम दरामद करने के फैसले से डिमांड एंड सप्लाई का फर्क खत्म हो गया है, अब सारा साल गंदम वाफर मिलेगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि किसान को पंजाब भर में गंदम की फसल की अच्छी कीमत 1400 से 1600 रुपए मन तक मिली है। उन्होंने कहा कि अब जखीरा अंदोजों और मिडल मैन के बायस मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ रही थी जिस पर काबू पाना जरूरी था। केपी में गंदम की पैदावार बहुत कम हुई, गंदम दरामद करने का फैसला दीगर सूबों के लिए भी मुआवन साबित होगा। सीनियर वजीर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने लोगों की मुश्किलात को सामने रखते हुए बेहतरीन फैसला किया है, पंजाब की तरफ से पहले ही गंदम की दरामद का इंदिया दिया जा चुका था। उन्होंने कहा कि हुकूमत खुराक के शोबे में बेहतरी लाने के लिए संजीदा काविशें कर रही है, बिलखसूस पंजाब में जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। गंदम की दरामद की इजाजत देने से मजीद बेहतरी आएगी, मुकाबले की फिजा कायम होने से गंदम की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आने वाले दिनों में गंदम की कीमत में इस्तेहकाम के साथ ही आटे की कीमत में कमी का इंदिया दे दिया है। हुकूमत ने गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल से पाबंदी खत्म करने के साथ गंदम इंपोर्ट करने की भी इजाजत दे दी है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन आसिम रजा ने कहा कि हुकूमत की जानिब से गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल से पाबंदी उठाना खुश आइंद है, जबकि हुकूमत ने आने वाले दिनों में गंदम की इंपोर्ट की इजाजत दे दी है और जैसे ही गंदम की इंपोर्ट होगी गंदम के मुकामी जखीरा अंदोजों जखीरे की गई गंदम को मार्केट में फरोख्त करेंगे। आसिम रजा ने कहा कि गंदम की कीमत में इस्तेहकाम गंदम की कीमत में कमी से ही हो सकता है। पंजाब का दिल लाहौर, जहां रात को भी दिन का समा होता है मगर अब कोरोना की वबा के बायस शहर की रौनकें मांद पड़ चुकी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हसन खालिद की जुबानी। पंजाब का दिल लाहौर, जहां दिन और रात का तसव्वुर कभी इंतहाई कम महसूस होता था, कोरोना वायरस की वबा के बायस अब यहां की रौनकें इंतहाई मांद पड़ गई हैं। माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, मेन बुलेवर्ड, लक्ष्मी, अनारकली
और मीनार पाकिस्तान समेत दीगर अहम इलाकों में शाम डलते ही खू का आलम छा जाता है। लाहौर की रात की कहानी जानते हैं कैमरे की जुबानी। फाइनेंस डिवीजन और FBR ने विफाकी मोतसिब के अहकाम को हवा में उड़ा दिया। FBR के ज़ेली इदारे इंटरनल ऑडिट के पाकिस्तान भर में दौरान मुलाजमत वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन 5 साल से बकाया जात के लिए दर बदर होकर रह गए। फाइनेंस डिवीजन और FBR ने विफाकी मोतसिब के अहकाम को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। FBR के ज़ेली इदारे इंटरनल ऑडिट के पाकिस्तान भर में दौरान मुलाजमत वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन 5 बरस से ज़ायद अरसे से वाजिबात से महरूम हैं। फाइनेंस डिवीजन और रेवेन्यू डिवीजन ने 1 माह के दौरान अदायगी करने के विफाकी मोतसिब के अहकाम पर 5 माह गुजर जाने के बावजूद अमल दरामद नहीं किया। दौरान सर्विस वफात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन की बेवाओं या अहले खाना के लिए हुकूमत ने एक स्कीम जारी कर रखी है, जिसके तहत पसमानदिगान को ग्रांट और प्लॉट की मद में या किराया मकान की मद में रकूम मिलती है। इसी स्कीम के तहत FBR के रीजनल टैक्स दफातर के मई 2019 तक के वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन को भी जून 2019 में अदायगियां कर दी गई थीं। दूसरी जानिब FBR के ज़ेली इदारा इंटरनल ऑडिट के पाकिस्तान भर में कायम दफातर के गुज़िश्ता 6 बरस के दौरान वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन को तहाल बकाया जात अदा नहीं किए गए। प्रोफेसर वारिस मीर अंडरपास का नाम तब्दील करने का यह मामला है। नून लीग के खलील ताहिर सिंधु ने कहा है कि हुकूमत स्पीकर की रूलिंग पर अमल दरामद नहीं कर रही। पंजाब असेंबली के इजलास के दौरान नून लीग के खलील ताहिर सिंधु ने नुक्ताए एतराज पर बात करते हुए कहा कि इंतजामात की जानिब से प्रोफेसर वारिस मीर अंडरपास का नाम तब्दील कर दिया गया है। स्पीकर ने नाम बहाल करने के लिए रूलिंग भी दी है, लेकिन इंतजामिया इस पर अमल दरामद नहीं कर रही। UC49 बंद रोड के मकीनों ने इलाके में पानी की अदम फराहमी और गंदे पानी की दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन कहते हैं कि हुकाम को बार बार नोटिस के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। UC49 बंद रोड के इलाके में मुसलसल पानी की अदम फराहमी ने लोगों को एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं इलाके में साफ पानी की अदम फराहमी के बायस गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसके बायस इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा है। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में पानी की फराहमी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, अगर सरकारी नलकों में पानी आ भी जाए तो वो पीने के काबिल ही नहीं। इस हवाले से अक्सर वासा को शिकायत का अंदराज करवाया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 महीने हो गए हैं, पानी की तो इतनी ज़्यादा किल्लत है जिसकी कोई हद नहीं। सुबह से लेकर शाम तक पानी का इंतज़ार करते रहे, अभी भी ये दोपहर से कूलर पकड़ा और पानी लेने के लिए जा रहा हूँ, अगर फिल्टर लगे हुए हैं तो वहाँ पानी नहीं आता और साफ पानी तो पीने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। कि हमने कई दफ़ा शिकायत वगैरह दर्ज करवाई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही और यहाँ पर कोई विजिट भी नहीं कर रहा। अगर कोई आए देखे पानी तो फिर ही मसला हल होगा ना, ना कोई आता है ना कोई चेक करता है। और इलाके वाले लोग इसी तरह परेशान है, डेली बेसिस पे अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात के मुताबिक पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उबाल के भी जैसे भी, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है खातर खा। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकाम ने नोटिस ना लिया तो अपने एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। कैमरामैन राना अजीम के साथ उस्मान लियास, सिटी 42। PTI सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज अहमद चौधरी से पार्टी सेक्रेटेरिएट में जिले सदर कसूर डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी, जनरल सेक्रेटरी सरदार अली जावेद डोगर ने मुलाकात की। एजाज अहमद चौधरी ने कहा कि चीनी माफिया और उनके हवारे शर्मसार होने की बजाय APC कर रहे हैं। पार्टी सेक्रेटेरिएट में होने वाली मुलाकात में पार्टी अमूर और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। एजाज अहमद चौधरी ने कहा कि चीनी स्कैंडल रिपोर्ट के बाद अमली एक्शन का आगाज शुरू हो चुका है। सदर सेंट्रल पंजाब PTI का कहना था कि लूटमार एसोसिएशन चीनी चोरों की वकालत कर रही है, एहतसाब के इदारों और निज़ाम अदल को मजबूत होना होगा, वरना सियासी कारकुन माफिया का खुद एहतसाब करेंगे। साबिक गवर्नर पंजाब जनरल गुलाम जेलानी के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद जामिया मस्जिद कुबरा समनाबाद में किया गया। दुआया तकरीब में सरबराह कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखनूम, मुतमिम जामिया बैतुल कुरान गुलबर्ग मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन ने शिरकत की। इलामा हाफिज काजिम रजा नकवी, कासिम अली कासमी, इलामा कारी ताहिर शरीफ और दीगर भी दुआया तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर मरहूम जनरल गुलाम जेलानी की कौमी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। उलमाए कराम का कहना था कि जनरल गुलाम जेलानी की कौमी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।
नेशनल हॉकी स्टेडियम में डायरेक्टोरेट ऑफ स्पोर्ट्स के नए तैनात होने वाले 37 तहसील स्पोर्ट्स अफसरान और डिविजनल कोचेस की ऑनलाइन ट्रेनिंग का आगाज हो गया है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स, आर्कियोलॉजी और टूरिज्म पंजाब एहसान भुट्टा, डायरेक्टर एडमिन जावेद रशीद चौहान, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड नासिर मलिक और चीफ कंसल्टेंट शाहिद फकीर ने तरबियती सेशन के पहले रोज लेक्चर्स दिए। डायरेक्टर एडमिन जावेद चौहान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नए अफसरान को हर शोबे के माहिरीन तरबियत देंगे, जिनमें एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, साइंस, आईटी और सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ कोर्सेज शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वबा के पेश नज़र वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अफसरान की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। ट्रेनिंग से अफसरान की कारकर्दगी बेहतर होगी। चीफ स्पोर्ट्स कंसल्टेंट स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब शाहिद फकीर विर्क ने नए अफसरान को स्पोर्ट्स के हवाले से लेक्चर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।